हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे तीन शेयर की जो बुलिश या बियरिश भी हो सकते हैं, उस पे कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जो अगले हफ्ते यानी कि 10 से 14 जून के बीच में आपको अच्छा खासा फायदा करवा सकती है, और शायद थोड़ा और भी आगे अगर हम बढ़े तो यानी कि अगले 2 हफ्ते तक आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकती है अगर आप 2 हफ्ते तक भी उसे होल्ड करके रखते हैं। ये तीन शेयर्स मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि चार्ट में उसमें ऐसे क्या पैटर्न बन रहे हैं और वो कहाँ से गिर सकता है या वो कहाँ से अगर ऊपर जाता है तो क्या उसके टारगेट या स्टॉप लॉस होंगे, वो चार्ट पे ही आपको सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो तीन शेयर है, ये तीन शेयर अलग अलग सेक्टर के हैं, कोई एक सेक्टर के नहीं है। तो हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और तीनों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में एक हम कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको मैं पूरा क्लियरली दिखा देता हूँ, ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं 2017 की स्टार्टिंग से ये मैंने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार इसने सपोर्ट लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार, पांचवी बार और आप देख सकते हैं छठी बार, यानी कि 6 बार सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लाइन पे शैडो से टेस्ट करके ही ये ऊपर बढ़ गया। सो गाइस, बहुत बढ़िया, ये हम कह सकते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो 1-1.5-2 साल से अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से हम कह सकते हैं बर्जर पेंट्स के साथ बनी हुई है और उसे नीचे नहीं गिरने दे रही है। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2018 के जून से यानी कि यहाँ से कुछ 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1 साल पहले ही इसने अपने एक टॉप मारा था 344 का। उसके बाद इसने जो अपना हाई मारा है, अगर हम प्रीवियस स्विंग हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 342, और कंटिन्यूसली ये डिक्रीज होता रहा है इसका जो टॉप है। पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं टॉप्स को ट्रेंड लाइन के थ्रू टेस्ट करता हूँ या टच करता हूँ तो बिल्कुल जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल मैच कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी 2 बार रेजिस्टेंस। सो यानी कि आप देख सकते हैं नीचे भी 6 बार आप सपोर्ट लाइन पे टेस्ट कर चुके हैं, ऊपर भी 6 बार रेजिस्टेंस लाइन पे टेस्ट कर चुके हैं, पर हमने ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देखा अभी तक। अब गाइस, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट या पर्टिकुलर ये जो बर्जर पेंट है वो इसके ऊपर अभी निकल सकता है या नहीं निकलेगा, या अभी वापस ये अपनी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और उसके बाद नीचे तोड़ेगा। सो गाइस, अब हमें जो तरीके से अगर हम इसके पैटर्न को देखते हैं, अगर हम इसकी कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर ये नहीं टिक पा रहा है। इसने ऊपर ग्रीन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा था बुलिश बर्जर पेंट में आई थी, जिस दिन क्रूड बहुत तेजी से गिर गया था हमने देखा था। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ही टेस्ट करके शैडो छोड़ के नीचे आ गया, 2 दिन लगातार नीचे गिरा, उसके बाद दोबारा ये शैडो छोड़ के पूरी तरीके से नीचे गिर गया, फिर उसने एक कैंडल दी, आप देख सकते हैं शैडो छोड़ के दोबारा नीचे आ गया और इसके ऊपर ये नहीं निकल पा रहा, यहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो गाइस, हो क्या सकता है कि ये दोबारा नीचे जाने की कोशिश करे और अपने 300 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करे। पहला रीजन ये है कि हम देख चुके हैं क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब मुझे लगता है कि वो उसका एक बेस बन चुका है और बेस बनने के बाद अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये एक अपमूव दे सकता है। और एक आर्ग्यूमेंट आ गई थी, एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेक्सिको और ओपेक के बीच में क्रूड ऑयल को लेके, हम कह सकते हैं ऑयल को लेके, वो जो आर्ग्यूमेंट थी वो सुलग गई है, अब वो सुजल गई है। अब हम कह सकते हैं कि वो जो क्रूड ऑयल के गिरने का एक और रीज़न था वो अब खत्म हो चुका है, अब शायद क्रूड ऑयल वहाँ से बढ़ना शुरू करे। और जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि बर्जर पेंट्स में भी गिरावट आ सकती है या वो थोड़ा बहुत भी कमज़ोर हो सकता है। पहला रीजन हम ये मान के चल सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हल्का हल्का मैकडी के अंदर भी डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस आना शुरू हो रहा है। अगर हम सिर्फ आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई में भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम बन रहा है। पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो ट्रेंड आरएसआई है वो आरएसआई दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा जब तक ये अगर बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स जब तक 319 के लेवल को नहीं तोड़ता, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसका जो प्रीवियस लो है 322 या 319, ये आपके लिए एक सेलिंग जोन बनना चाहिए। 319 के नीचे जैसे ही टूटता है
तो आपको जो फर्स्ट लेवल होगा वो 317, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच बीच में, ये नहीं है कि बहुत तेजी से नीचे गिरेगा ये, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह आपको यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर 50 mm आपको मिल सकता है, उसके बाद आपको 200 mm मिल सकता है, तो हल्का फुल्का बाउंस भी ये करेगा। सो आपको केयरफुली ट्रेड करके रखना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम शॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका 317 होना चाहिए। 317 के बाद अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं और वो थोड़ा बहुत और ऊपर बढ़ता है, तब आप अपनी वापस सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करके चलेंगे तो आपको ये अच्छा खासा बर्जर पेंट फायदा देकर जरूर जाएगी गाइस। सो ट्राइंगुलर पैटर्न मुझे लगता है अभी भी फॉलो करेगा, ये अपने बॉटम को टेस्ट कर सकता है। शायद हो कि बॉटम आप देख सकते हैं, मैं आपको पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैकडी के बारे में जो मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है, इसे ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख कर चलिए, मैं सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये एक बार बनी हुई है लाइन, जो जीरो की लाइन होती है, ये आप देख सकते हैं इधर साइड देखिएगा, ये एक बीच में लाइन है जो जीरो पॉइंट दिखा रहा है, जीरो लेवल। आप देखते हैं जब जीरो के नीचे बार बनना शुरू होते हैं तो वो रेड कैंडल्स बनती है, रेड बार्स बनते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से रेड बार बनी यहाँ तक, आप देखेंगे यहाँ से बनी, मार्केट नीचे आई, पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आया। जब दोबारा ग्रीन कैंडल बनती है और वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, तो आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के यहाँ पर कंसोलिडेशन आती है, और उसके बाद जैसे ही वो इस लेवल को तोड़ती है और अपनी जो जीरो पॉइंट की लाइन है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाती है, तो सीधा स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स जंप मारने की कोशिश कर देता है। उसके बाद दोबारा आप देखा कि रेड कैंडल बनना शुरू हुई, दोबारा पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आया। बिल्कुल सेम तरीके से ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है बर्जर पेंट्स के अंदर। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हर स्टॉक या हर पर्टिकुलर इंडेक्स में लागू नहीं होता, किसी किसी में होता है, पर होता है तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब आप देख सकते हैं दोबारा रेड कैंडल्स बनने की कोशिश कर रही है, हल्के हल्के छोटे छोटे रेड बार्स बनेंगे, फिर वो नीचे से रेड बार की शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर रेड बार्स बनेंगे फिर नीचे नीचे रेड बार्स बनेंगे। तो होगा ये अल्टीमेटली कि हल्के हल्के जो ये रेड बार्स बनने की कोशिश करेंगे, मार्केट को ये यहाँ तक पहुंचा देंगे, और हो सकता है कि शायद ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ने की कोशिश कर दें। सो बहुत पर्टिकुलर तरीके से आप इसे ऑब्जर्व करके चलिए बर्जर पेंट्स को, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न नीचे की तरफ दे सकती है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इस पर्टिकुलर का हाई, या आप प्रीवियस स्विंग हाई को भी एक तरीके से मान के चल सकते हैं। यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को आपको अपना नहीं मानना है स्टॉप लॉस, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है और हल्का सा उसके ऊपर भी निकल सकता है। आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, यानी कि जो ये लेवल है 336 या 337 का लेवल, वो आपका एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 317 एंड लास्ट 300। मैं आपसे ये नहीं कह रहा पूरा 300 ही टेस्ट करेगा, आपको जो टारगेट दिया जा रहा है उससे आप 5-6 रुपए ऊपर भी जाके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलटी की, यानी कि लार्सन एंड ट्यूबो की। अब इसमें भी देख रहे हैं एक राइजिंग चैनल बन रहा है, राइजिंग चैनल बनने का रीजन ये है कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, वीकली चार्ट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2013 से 2013 पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से स्टार्ट करी थी, मैं आपको सिर्फ 2013 की पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ, 2013 का एंड है ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। यहाँ से मार्केट ने अपमूव दिखाई इस ट्रेंड लाइन पे, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पे उसने बहुत बार रेजिस्टेंस फेस करा, दोबारा नीचे आया, जब जब इसमें एक करेक्शन आया हमने देखा कि उसने दोबारा इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट दिया, उसको अच्छे से गुड कॉल की तरह बिहेव करा, हमने देखा दोबारा उसने अपमूव दिखाई। आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये दोबारा ऊपर नहीं गया, ट्रेंड लाइन को फेस नहीं करी पर नीचे भी नहीं आया, तो इसके बीच में ही घूमते रहा। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली 2013 से 2019 तक ये इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इस चैनल को ब्रेक भी नहीं करा इसने। वीकली चार्ट्स दिखा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिएगा गाइस, अब मैं इसे थोड़ा जूम करके जाता हूँ और 2019 की स्टार्टिंग से हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या हुआ। 2019 में हुआ ये, या 2018 के दिसंबर की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 1450 से गिरावट शुरू करी और वो सीधा 1200 के लेवल तक गई। इसने सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को इसने एक गुड कॉल दिया, वहां से इसने एक जंप लिया, दोबारा नीचे आया, इसने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को फेस करा पर इसने दोबारा जंप लिया और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक वो चला गया।
अब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरीके का पैटर्न बना है। 2019 पे हम कह सकते हैं कि इस 7 महीने के अंदर, यानी कि 2018 दिसंबर से लेकर 2000 मई तक, हम 6 महीने के अंदर अंदर पूरा इसने एक पैटर्न डेवलप करा है। डेली या वीकली चार्ट के अंदर, दोनों के अंदर सेम पैटर्न है। सो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, उसके लिए मुझे एक फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिबोनाची हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक फिबोनाची अपना बना लिया है, यानी कि इस लेवल से जहां से उसने स्टार्ट करी थी और जो उसकी गिरावट थी, मैंने एक फिबोनाची बना लिया। अब मैं एक सेगमेंट, यानी कि मैं इसमें एक कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पैटर्न सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको मैं अपनी बहुत वीडियोस में सजेस्ट कर चुका हूँ। जो ये लेवल है, इस लेवल से मैं एक को सपोर्ट यहाँ ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, और एक मैं इधर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। तो गाइस आप खुद देखकर समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया गया है। इस पैटर्न को कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। अब ये जो बटरफ्लाई पैटर्न बना है, इसकी कंफर्मेशन कैसे मिली, आप देख सकते हैं जो इसका प्रीवियस बॉटम है उसको ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर ही रहता है। वो जो ये गिरावट आती है, शॉर्ट टाइम हम जो कह सकते हैं कंसोलिडेशन होती है। उसके बाद हमने जो ये फिबोनाची बनाया, फिबोनाची क्यों बनाया, जो इस टॉप से यहाँ पर हमने जो गिरावट देखी थी, अब जो यहाँ से इसने हाई बनाया, जो इसका हाई होगा वो 161.8% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब देख सकते हैं, मैं अगर इन लाइन को हटा देता हूँ तो एग्जैक्ट इसने जो इसका हाई बनाया 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, और वहां से उसने एक दोबारा फॉल दिखा दी। इनडिसाइसिव कैंडल बनाई, आप देख सकते हैं उसमें शेडो छोड़ने के बाद लोअर लेवल्स पे, यानी कि पूरे वीक के लोअर लेवल पे जाके एलटी ने, लासन ने, ट्यूबो ने क्लोजिंग दी। उसके बाद हमने देखा एक ग्रीन रेड कैंडल वीकली चार्ट के अंदर हमने बनते हुए देखी। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट ये ही करूंगा कि आप यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनाइए, क्योंकि बटरफ्लाई पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से इनिशिएट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो 1450 होगा, यानी कि जो इसका प्रीवियस हम कह सकते हैं जहां से इसने पैटर्न स्टार्ट करा था, सॉरी 100% का जो इसका लेवल है वहां पर ये सबसे पहला इसका टारगेट होता है। सबसे पहला टारगेट यानी कि 1450 तक तो ये आराम से जा सकता, हो सकता है उसके बाद बाउंस देके ये दोबारा 138.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे चले जाए, और हो सकता है ये दोबारा नीचे गिर जाए और 61% पे जा सकता है। तो हम केयरफुली, ज्यादा रिस्क ना लेके और ज्यादा अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोच के, हम यही टारगेट मानते हैं कि हमारा 1450 का टारगेट है इस वीक के अंदर, और ये बहुत अच्छा टारगेट, आपको 60 पॉइंट्स तक का टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हम दे रहे हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो आपको 161 का ही करके मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो थोड़ा हाई हो जाएगा, पर आप केयरफुली भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो आप इस गिरावट का आपको मैं अभी भी सलाह दे रहा हूँ, देखिए ये 1600 से लेके ये पर्टिकुलर स्टॉक आ चुका है 1500 पे, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। इसका आप 61.8% का अगर आप लेवल निकालेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं अराउंड 1560 का एक लेवल निकल के आ रहा है, तो 1560 का आप टारगेट इसमें मान के, स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। यानी कि आपको 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 60 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। ये 1:1 है, पर मुझे जैसा लगता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देकर जाएगा कुछ टाइम पे। बटरफ्लाई पैटर्न बना हुआ है, अब इस वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट्स पे भी खुद बना सकते हैं कि अगर आपके चार्ट पे बना रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आगे वाले टाइम में अगर कुछ इसमें ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट होती है तो आपको पता रहेगा कि आपको बाय या सेल साइड में पोजिशन बनानी है नहीं बनानी है। ये दोनों स्टॉक्स भी मैंने अपने क्लाइंट्स को सलाह करके दिए रखे हैं, पर मैंने अभी लासेन एंड ट्यूबो अभी अपने क्लाइंट्स को सलाह नहीं दिया है, ये आप मैं नेक्स्ट वीक पे ही सलाह दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जब तक अपने 1500 के लेवल को नहीं तोड़ता, हमने देखा था 1500 के लेवल को तोड़ा था पर उसके ऊपर वो निकल गया था, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी थी। जब नेक्स्ट वीक के अंदर जब तक वो 1500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, या फिर 1500 के नीचे जाके 1 घंटा 1.5 घंटा सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं अपने क्लाइंट्स को इस पे सेल साइड की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर सके। क्योंकि 1500 इसका एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं पॉइंट है, एक फेस है जहां से वो ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको सलाह यही दी जाएगी, जब तक 1500 का लेवल नहीं तोड़ता इस पे अपनी सेलिंग पोजीशन ना बनाइए। स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता है।
अब आते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। तो बजाज फाइनेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग बुलिश फ्लैग पैटर्न बन चुका है। बुलिश फ्लैग पैटर्न किस तरीके से बना हुआ, इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को आज भी सलाह दी थी बाय करने के लिए जब मार्केट ओपन हुआ था। तो मैंने सलाह क्यों दी थी, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक राइजिंग चैनल बना रखा है। राइजिंग चैनल यानी कि सपोर्ट के सारे पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से टेस्ट कर लिया है और रेजिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आया था। आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कल के सेशन पे बजाज फाइनेंस ने गिरावट दिखाई थी। गिरावट दिखाने के बाद हमने देखा था कि इसमें बाइंग पोजीशन बनती है या नहीं बनती है। फिर मैंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर मैकडी है वो मैकडी नीचे की ओर जा रहा है, पर नीचे की ओर जाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक राइजिंग चैनल है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो शायद 60 या 70% चांसेस है कि वो इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे। तो मैंने मैकडी को एक हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ रखा, ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचा। दूसरी बात, जब मैंने देखा कि मार्केट आज जब खुली थी, तो मैंने आपको अपनी कल के वीडियो पे बता दिया था कि मार्केट आज शायद ज्यादा ना गिरे, 10 11,900 के आसपास ही रहेगी या 11,900 के आसपास आती है तो आप शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। 11,900 के ऊपर भी नहीं गई है, जैसा कि आपने देखा होगा उसके नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। तो जिस लोगों ने भी 11,900 पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट पे रहे होंगे। पर अब जिस तरीके से लग रहा है कि बजाज फाइनेंस ने आज जब मार्केट थोड़ी बहुत नीचे गिरी तो बजाज फाइनेंस रिकवरी दिखाने के मूड में था। हमने अपने क्लाइंट्स को ही यहाँ पर पोजीशन दे दी थी। अपने क्लाइंट्स को पोजीशन जो दी थी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। एक्चुअली वो मेरे फोन में है। तो जो हमने पोजीशन दी थी वो दी थी कि 3490 जो फ्यूचर्स के लेवल थे, 3490 पे हमारी बाय पोजीशन थी। 3520 का हमारा बजाज फाइनेंस में फ्यूचर का लेवल था टारगेट, तो हमारा टारगेट उस पे अचीव हो गया था। दूसरी बात, हमने ऑप्शंस भी दिया था। हमारे कुछ जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो, और जो कुछ हमारे जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते उन पे डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर ले या ऑप्शन ले। हमने फ्यूचर दिया था 85, ऑप्शन दिया था 85 पे। 1500 का ही हमने ऑप्शन बाय करवाया था, 3500 का सॉरी हमने ऑप्शन बाय करवाया था 85 रुपीज पे। हमारा जो टारगेट है वो है 115 का, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ। 104 का हाई मारा हुआ है, तो हमारे जो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हमने उन्हें 100 पे ही एग्जिट करवा दिया। पर अभी भी हमने इस पर पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि जो मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3035-40 का मुझे लगता है हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें मूवमेंट आई है, मुझे लगता है कि ये दोबारा 3570 या 3560 को टेस्ट कर सकता है। और अगर उसके ऊपर निकलता है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, तो इस चैनल का मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें मैं एक फिबोनाची पहले ड्रॉ करता हूँ जी गाइस। तो मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, चैनल की मूवमेंट हम कह रहे हैं इससे स्टार्ट हुई। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जो इसका स्टॉक है वो है 2862 टू अराउंड, हम कह सकते हैं 3300, यानी कि कुल अराउंड हम इसमें मान सकते हैं 450 पॉइंट्स। 450 पॉइंट्स है, तो यानी कि इसका अगर हम हाफ कर देते हैं या 38% निकालते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 38% तक तो उसका जाता ही जाता है। जो भी इसका डिफरेंस, इसकी जो रेंज का डिफरेंस होता है, यानी कि 450 पॉइंट का भी अगर हम हाफ करते हैं, तो अगर हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 225, तो अगर पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ता है और इसको ब्रेक करता है, तो एग्जैक्ट इसका जो टारगेट होगा वो 225 पॉइंट की अपमूव की रैली दे सकता है। यानी कि इसका टारगेट अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो प्लस 250 पॉइंट्स होगा, और इसका स्टॉप लॉस आपको इस रेंज के बिट का रखना पड़ेगा। इसके नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका ज्यादा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो आप इसका नहीं रख सकते, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल के मिड का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये स्टॉक बाय चांस इसके नीचे चले जाता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 3330 का होगा, जो कि 0% का लेवल है जहां से इस चैनल ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी थी, और स्टॉप लॉस आप रखेंगे इसी का मिड रखेंगे। सो बजाज फाइनेंस में अभी भी मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ पोजीशन हमने इसमें एग्जिट करवा दिया, पर कुछ पोजीशन अभी भी होल्ड है। फ्यूचर जैसे हमने एग्जिट करवा दिया, ऑप्शन अभी भी होल्ड रखा हुआ है। सो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी पोजीशंस के साथ काम कर रहे हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है 10,600 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, और हमने देखा था कि 10,600 के आसपास जाके ही निफ्टी ने कल बाउंस बैक दे दिया था। तो मुझे अभी भी लगता है गाइस कि 10,600 का लेवल वो टेस्ट करेगी, पर कुछ ऐसे मुझे रीजंस लग रहे हैं कि मुझे अपने चार्ट्स को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कल शायद एक और अपमूव आ सकती है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर अच्छी खासी, और वो थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकती है। मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, चार्ट बहुत इनडिसाइसिव अभी काम कर रहा है, तो दोनों तरफ बहुत ऊपर या नीचे अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। तो आप कल बहुत केयरफुली ट्रेड करिएगा, जिस तरीके से भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अगर आप बाय साइड बनाएंगे तो बहुत केयरफुली या ज़्यादा अपनी लॉन्ग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन को लेकर ना चलिएगा, बहुत क्लियरली ट्रेड करिएगा। तो तीन स्टॉक्स अपने आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए, बर्जर पेंट्स, एलटी, बजाज फाइनेंस, और ये इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप जरूर ये जो भी मैंने चार्ट्स में बनाए हैं आप ये पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए। जो भी क्वेरी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मेरे से जरूर पूछेगा, और गाइस मैं आपके साथ जुड़ने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। सो गाइस ये वीडियो, ये एक थंबनेल है जो मैं आपके साथ वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अभी इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम है, यानी कि अभी मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ कि जो मार्केट में एक क्रैश है वो आ सकता है या रिसेशन है वो आ सकता है या नहीं आ सकता। थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है। अगर हम बात करें यूएस के एक इंडिकेटर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक सेम इंडिकेटर होता है जो पूरी मार्केट या वर्ल्ड मार्केट जो भी होती है उसका रिसेशन डिसाइड करता है, या वो फिर बताता है कि अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये जो एक थंबनेल है आप याद रखिएगा कि इस वीडियो, मैंने अपनी पिछली वीडियो पे भी आपको बताया था, एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं ये पांच टॉपिक कवर करूंगा जिससे रिसेशन आने के संकेत है या स्टॉक मार्केट क्रैश होने के संकेत है, जो कि ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन रिसेशन का आने का है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ गूगल में रिसेशन भी डालेंगे तो आपको सबसे पहला जो मिलेगी साइट वो रिसेशन इन्वर्टेड यील्ड कर्व के ऊपर ही मिलेगी। यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रहा है, जीडीपी ग्लो स्लो डाउन हो रही है, चाहे यूएस की हो चाहे इंडिया की हो, यूएस मेक्सिको का ट्रेड वॉर हो चुका है, यूएस ओपेक के बीच में जो चल रहा था, यूएस ने इंडिया का स्टेटस जो था प्रेफरेंशियल स्टेटस वो टर्मिनेट कर दिया। बहुत सी ऐसी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक की न्यूज चल रही है जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस कुछ और दिखा रहा है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक कुछ और दिखा रही है। सो बहुत बेसिक और बहुत कंफ्यूजन कंसेप्ट है जो आप लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो मैं अगले हफ्ते तक, यानी कि जो अब अगला हफ्ता है उसमें पक्की कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं ले आऊँ, जैसे ही मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो गाइस मैं एक पॉइंट का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो पॉइंट आ जाएगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट है पर्टिकुलर न्यूज से लेकर, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर न्यूज हमारी मार्केट में बैड इम्पैक्ट दिखा सकती है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपके साथ जरूर बने रहूंगा। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।